नमस्कार, प्राइम 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव को सुविधा मिले इसलिए हर गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मगर ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। यूपी के आगरा शहर में अभी भी एक गाँव ऐसा है जहाँ पर पानी की समस्या से ग्रामवासी जूझ रहे हैं, मगर अधिकारी ना ही सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ये यूपी के आगरा शहर के एतमादपुर तहसील के ब्लॉक खंदौली का मामला है, जहां पर ग्रामवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं मगर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे प्रचार प्रसार का क्या फायदा जो जनता की समस्या का समाधान ना हो पाए। देश की आज़ादी को आज 70 साल हो गए मगर अभी भी जनता इस समस्या से जूझ रही है, यहाँ पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मौके पर जब हमारे संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा जी पहुँचे तो वहाँ पर ग्रामवासियों ने अपनी दुखद रो रो कर परेशानियाँ हमारे संवाददाता को बताई, मगर सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही है। जिस तरह सबका साथ सबका विकास की भी बात करती है सरकार, और यहाँ पर पेयजल की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। गड्ढों में भरे पानी को भरकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं ग्रामवासी। आखिर किस बात का प्रचार प्रसार सरकार का, जब सुविधा ही ना मिले तो किस बात का प्रचार प्रसार। जब चुनाव होते हैं तो विधायक सांसद किस तरह ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, क्या ये वादे सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दबकर रह जाते हैं जो जनता की समस्या को भी उसी में दबा के रख दिया जाता है। काफ़ी बड़ा सवाल है, मगर इस पर सरकार क्यों नहीं गौर कर रही है। गांव की महिलाओं ने अपनी रो रो कर पीड़ा बताई, जिसमें महिलाओं ने कहा हमारे लड़कों के लिए जो रिश्ते आते हैं वो पानी की समस्या को देखकर लड़कों के रिश्ते ठुकरा देते हैं। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। ग्रामीणों पर पैसे न होने से मजबूरन होकर बरसात का पानी भरा हुआ गड्ढे से पानी पीने नहाने धोने के लिए भी लाते हैं। जब ग्रामीणों से बात की तो रो रो कर अपनी दुखद भरी कहानी सुनाने लगे। जब मदनपुर गांव से पानी लाते हैं तो वहां के कुछ लोग पैसे से पानी भरने देते हैं। आगरा शहर के तहसील एतमादपुर के ब्लॉक खंदौली ग्राम पंचायत खेरा हाजीपुर के आधा दर्जन गांव डेरा सपेरा के पास स्थित खेरा हाजीपुर के इन गांवों को 70 सालों से आज तक करना पड़ रहा है पानी की समस्या से भारी सामना। इधर ही जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार यह केंद्र सरकार पेयजल व्यवस्था को लेकर एक गांव को नदियों एवं तालाब से जोड़ने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी ओर अभी भी ऐसे गांव बाकी हैं जहां विगत 70 वर्ष से पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है, जिससे गांव में लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हर गांव को सुविधा मिले इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन सच बात तो यह है कि दूसरी सुविधा की तो दूर की बात है। कुछ गांव में तो 70 वर्ष बाद भी पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे क्षेत्र के बासिंदे एक एक बूंद पानी के लिए तरस व परेशान हैं। ग्रामीणों की इस परेशानियों को देखते हुए कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन 21वीं सदी में भी प्रशासन ग्रामीणों को पानी की उचित व्यवस्था कराने में नाकाम नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद भी गाँव में पेयजल के लिए इधर उधर भटकना बहुत ही बड़ी परेशानी
बन गई है, जिस कारण गांव में कोई आना भी पसंद नहीं करता है। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होने से ना तो कोई रोजी रोजगार है और ना ही सरकार द्वारा कोई योजना दी जा रही है। आए दिन पानी के लिए ग्रामीण को किलोमीटरों दूर से पानी की व्यवस्था के लिए भटकना पड़ता है। अन्य लोगों की दिनचर्या अपने रोजगार एवं परिवार के सदस्यों के साथ शुरू होती है, लेकिन इन गांव के बसिंदरों की दिनचर्या पानी की व्यवस्था करने से शुरू होकर पानी में ही समाप्त हो जाती है। चुनावों के समय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे करके गांव वालों को बेवकूफ बनाया जाता है और फिर वही ढाक के तीन पाट वाली कहावत सिद्ध हो जाती है। चुनाव जीतने के बाद ना तो ये नेता और ना ही उनकी सरकार इन गांव वालों के पटे हाल पर ध्यान देती है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आते ही सांसद एवं विधायक को हमारे गांव के रास्ते नजर तो आते ही हैं, वही गांव में आते ही हैं। सांसद एवं विधायक झूठी हमदर्दी के सहारे ग्रामीणों का दिल जीत लेते हैं और पानी दिलाने का झूठा वादा करते हुए कुर्सी पा लेते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही वो भी विधायक एवं सांसद अपनी वायदों को भूल जाते हैं। ग्रामीण महिलाएं कहती हैं कि जबकि कोई अपनी लड़की के लिए यहां लड़का देखने आता है तो सिर्फ इसी कारण से शादी का प्रस्ताव थोड़ा देते हैं कि जिस गांव में वह अपनी लड़की की शादी कर रहा है वह सुबह पानी के लिए भटकने से शुरू होती है और पानी का इंतजाम करती रहती है, कब रात्रि को जाती है पता नहीं चलता। वहीं जब गांव की बुजुर्ग महिलाओं से जाना तो उन्होंने बताया कि गांव में जब से हम देख रहे हैं तब से पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। किलोमीटरों दूर दूसरे गांव से पानी की व्यवस्था की जाती है तो कभी दुगने एवं तीन गुने पैसे देकर ट्रैक्टरों से पानी लाकर गांव में पानी का इंतजाम करना पड़ता है। ग्रामीण रोते हुए बोले कि प्रशासन की इस उदासीनता और पेयजल समस्या को देखते हुए हम पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, वरना हम अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर प्रशासन की नींद अभी भी नहीं टूटी तो वह दिन दूर नहीं जब यह गांव बिल्कुल खाली हो जाएंगे और भारत के नक्शे से भी इनका नाम मिट जाएगा। पशु पक्षियों को मजबूरी में करना पड़ रहा है पलायन। 21वीं सदी में पानी के कारण पशु एवं पक्षी भी पानी की समस्या के कारण पलायन कर रहे हैं, इससे बड़ी चुनौती भारत बीजेपी सरकार को और क्या होगी। वैसे तो सरकार द्वारा मुहिम चलाकर पानी पशु एवं पक्षियों को बार बार बचाने हैं तो नारे दिए जाते हैं, लेकिन इन नारों पर अमल करने के लिए इन गांव वालों के पास पानी ही नहीं है। पानी की लगातार मांग को देखते हुए भी सरकार द्वारा आज तक कोई योजना गांव में नहीं दी गई है। जिससे पक्षी की पलायन कर गए हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुशवाहा, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हम आपको बता दें, शासन प्रशासन पानी व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था जगह जगह व्यवस्था करा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पे लोग वह पानी के लिए गंदा पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। आइए जानते क्या क्या हाल है यहाँ का और सरकार की ओर से इनकी क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? रामबती। जैसे जो पानी यहाँ से कीचड़ से जंगल से भर के ले जा रही हो, कब से ले आती हो आप? बहुत दिनों, काफी दिन हो गया। मैं तो कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं कि हम करवाएं करवाएं, कोई कोई नहीं करवाता। आपकी शादी का कितने समय हो गया यहाँ पे? अब पता नहीं है कितनी, 5-6 के 50 साल होगी। जब से यही समस्या है, यही समस्या हमारी, यही इसी तालाब से पानी भर के ले जाती हो? यहीं से पानी भरते हैं, यहीं से भरते हैं पानी, यहीं से पीते हैं पानी हम। जैसे इस गंदा पानी पीने से और परेशानी भी होती है, बीमारी भी लगती है, बीमारी बच्चे 10 हो जाते हैं, बीमार पलटी करते हैं और डॉक्टरों भागते हैं, पैसा हो जाते हैं, इतनी रकम देते हैं बहुत डॉक्टरों को जी। हाँ, मैं आता है जी हाजीपुर खेड़ा में। हाजीपुर यानी खेड़ा हाजीपुर जो ब्लॉक खंदौली में आता है, यहाँ पे पानी की इतनी कठोर व्यवस्था नहीं है, कोई भी शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और लोगों का कहना है यहाँ पे जब से शादी हुई है, कुछ बच्चों की शादी भी रोक दी गई है और कहते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, हम अपनी लड़कियों को नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजू। जैसे जो पानी बर्तन भर के लेके आ रही हो, कहाँ से लेके आ रही हो?
हम ये जा रहे हैं बहुत जमुना पे से लाते हैं पानी और क्या के 6 किलोमीटर दूर जाते हैं, वैसा बहुत परेशान है इस पानी तरीके से। रोज ही लेके आते हो आज पहली बार? पहली बार नहीं है, रोज जाते हैं। जैसे आपने शासन प्रशासन ब्लॉक में लिख के दिया हो कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था की जाए, खूब दिया है साहब, पर कोई हमारी सुनता ही नहीं है गरीबों की। क्या बोल देते हैं? कहते हैं साहब हमें पानी का दुख है, हमारी हेल्प कर दो, पर कोई सुनता ही नहीं है। जैसे जो तालाब से तुम गंदा पानी भर के लेके आते हो इससे परेशानी होती है? हाँ होती है परेशान, मरेलिया ये बुखार बन जाता है हमें, कोई कैसी दस्त उल्टी पलटी ये सब हो जाते हैं, बहुत कहते हैं आते हैं साहब, जो कोई हमारी सुनते ही नहीं है। जैसे आप इतनी दूर पानी भरने जाते हो, जैसे इतना जंगल है, जंगल आपको डर नहीं लगता है? बहुत लगता है भाई साहब डर, हमें क्या करें, एक लिए आने की कोशिश करते हैं पर हिम्मत नहीं बनती, बहुत डरते हैं, ये खंडाला है, जंगल है इतना सारा, बहुत डर लगता है हमें, पर क्या साथ में सबको बुलाते हैं, चलो हम साथ में चल रहे हैं, कोई आती है कोई नहीं आती, पर हम पानी बिना रह जाते हैं। इस समस्या के लिए आपने फैजान जी से बोला? बोला पर कोई सुनते ही नहीं है हमारे। क्या बोल देते हैं? हमने कही मैंने कि पानी की बहुत दुख है, हमें पानी की हमारे लिए व्यवस्था कर दो, पर कोई सुनता ही नहीं, बहुत कहते हैं हम पर कोई सुनता ही नहीं है हमारी। लेकिन गांव में कैसा, बिल्कुल पानी नहीं है? बिल्कुल नहीं है पानी के लिए भाई साहब, नहाने के लिए पीने के लिए सबके लिए दुख पा रहे हैं, हमारे बाजवाजन की तो घर में शादी भी नहीं हुई है इस पानी की वजह से। कहते हैं सारे अरे बांध दे में तुम्हें लड़की, हमारी लड़की पानी ढो ढो के परेशान हो जाए इतनी दूर के लिए, हम नहीं देते हमारी लड़की, चाहे कोई कुंवारा रहे चाहे कैसा रहे, किसी की तो शादी भी नहीं। आपके यहाँ कोई जेंगरे गाय भैंस भी? हाँ जी सब परेशान है, गाय बकरिया भैंस सब प्यासे, सब जमुना बला दूर जाते हैं, क्या करे। लोग वालों का कहना है कि इस गाँव में जैसे पानी की समस्या को लेकर एक टाइम खाना खा लेते हैं तो दूसरे टाइम हमें पानी की व्यवस्था के लिए दूर से पानी भर के लेके आना पड़ता है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि बच्चे बड़े सब परेशान है पानी पीने के लिए, इस गड्ढों में से पानी पी रहे हैं, और जो अधिकारी आते हैं सर वो आए के ये कह जाते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन पानी यहाँ मीठे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना पीने का ना कोई व्यवस्था, हाजू हाजू कर जाते हैं चले जाते हैं सर, और वैसे ही हमारे लिए सबर संतोख दे जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था काम हमारा नहीं हुआ गरीब आदमी। इस तरीके से कब से ये चल रहा है भंडार, ये ऐसे लालच दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है आपको? ये बहुत दिनों से चल रहा है सर, सालों गुजर गई मार परेशान है हम, यही कह जाते हैं आपका काम हो जाएगा, लाइन खिंच जाएगी, पानी आ जाएगा, टंकी बन जाएगी मीठी, और आराम से सुविधा पाओगे सफेरे लोग हो तुम, लेकिन कोई हिल्ला नहीं बैठता है खेड़ा हाजीपुर से। जैसे आप जो पानी की समस्या है, यार पानी कहाँ से और कितनी दूर से लाना पड़ता है आपको? पानी लाना पड़ता है सर हमें कम से कम यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर से, 6 किलोमीटर दूर से तो आराम से पानी लाते हैं हम। जैसे ये समस्या आसपास के क्षेत्र के गांव को भी है क्या, यानी तुम्हारे गांव को ही है ये? सर ये हमारे गांव को ज़्यादा परेशानी है, और वैसे तो थोड़ी घनी सबके लिए परेशानी है, पर हमारे लिए ज़्यादा ही व्यवस्था खराब है। जैसे जो तुम्हारे गांव की जो किस गांव किस मौजे में आता है, किस ब्लॉक में? ये साहब हाजीपुर खेड़ा गांव है, और ब्लॉक खंदौली, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की ब्यूरो रिपोर्ट।